BSF और इंडियन आर्मी में क्या अंतर होता है, सैलरी का कितना अंतर है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या अंतर होता है, कैंटीन फैसिलिटीज का क्या अंतर है, ड्रेस कैसे होती है, BSF पैरामिलिट्री है या CAPF है, और BSF को कौन कमांड करता है, BSF के ऑफिसर्स कौन होते हैं और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स कौन होते हैं और इंडियन आर्मी को कौन कमांड करता है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम BSF की बात करें तो BSF हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है। अब फ्रेंड्स, पैरामिलिट्री तो इन्हें कहा जाता है लेकिन वास्तव में BSF पैरामिलिट्री नहीं है, ये हमारी CAPF होती है, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझना है कि BSF का गठन कब हुआ। देखिए दोस्तों, BSF का गठन 1965 में किया गया। BSF का गठन क्यों किया गया, आर्मी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था कि वो अपनी लड़ाई की तैयारी, वॉर की तैयारी कर सके, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। इस फोर्स का काम क्या होता है, जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं इनमें जो है पेट्रोलिंग करना, मतलब ध्यान रखना कि जो है यहाँ पे दुश्मन अंदर तो नहीं आ रहे हैं, बॉर्डर्स पे दुश्मन की क्या हालचाल है, क्या पता जो एनिमी है वो क्या रणनीति अपना रहे, तो तरीके से सब चीज ध्यान देना, मतलब एक तरीके से बॉर्डर्स की रखवाली करना BSF का काम होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने का मुख्य कारण यही है कि बॉर्डर्स की जो सुरक्षा है वो पीसफुल टाइम में, यानी शांति के समय जो है BSF करेगी, और जो इंडियन आर्मी है वो तब तक अपनी जो है लड़ाई युद्धाभ्यास की तैयारी करते रहेगी। किसी देश के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है तो तब आर्मी को आगे किया जाता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को जो है आर्मी के साथ मिला करके एक जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो आपको दोस्तों ये समझना है कि BSF भी पूरी तरह ही आर्मी का काम करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इंडियन आर्मी का तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, इंडियन आर्मी जो है हमारे देश की रक्षा करती है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल जो आता है कि इन सैलरी का कितना अंतर है। देखिए दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्स या CAPF होती है, इनमें थोड़ा सैलरी इंडियन आर्मी जो हमारी डिफेंस है उससे थोड़ा सा कम होती है। फ्रेंड्स कैसे, देखिए BSF में क्या होता है कि आपको MSP नहीं मिलता है, यानी मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता है, और जो राशन मनी है वो भी कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस यही अंतर है इंडियन आर्मी और BSF की सैलरी में। देखिए, अगर कोई BSF के सोल्जर्स हैं उनको जो फर्स्ट पेमेंट है वो मिलेगी 35,000। ओके फ्रेंड्स, और जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं उनको जो फर्स्ट सैलरी इन हैंड मिलती है, मैं अंदाजन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इस अंदाजे से समझ सकते हैं, तो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होंगे उनको मिलेगी 40,000, क्योंकि इंडियन आर्मी में MSP मिलती है और राशन मनी भी कट नहीं होता है, तो जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे अन्य पैरामिलिट्री फोर्स है, इनमें राशन मनी कट हो जाता है और MSP नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई सैलरी की बात। उसके बाद दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी, इंडियन आर्मी को भी मेडिकल फैसिलिटी MH की है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अब दोस्तों कैंटीन फैसिलिटी की बात, फ्रेंड्स BSF में भी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, इंडियन आर्मी में भी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, दोनों में कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। और दोस्तों ड्रेस की बात करें तो इंडियन आर्मी की कुछ इस तरीके की ड्रेस होती है और बॉर्डर सिक्योरिटी BSF की कुछ इस तरीके की ड्रेस होती है। पेंशन की बात करें तो आर्मी में भी पेंशन मिलती है और BSF में भी पेंशन दी जाती है। पेंशन कैसी, इंडियन आर्मी में OPS पेंशन मिलती है दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाती है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में NPS के तहत पेंशन दी जाती है, यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। तो आपको घबराना नहीं है, BSF में भी पेंशन मिलती है और आर्मी में भी मिलती है। अब दोस्तों आगे बात करें कि BSF को कमांड कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, BSF का जो कमांड होता है यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, गृह मंत्रालय के अधीन या फोर्स होती है, और इंडियन आर्मी का जो कमांड है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फ्रेंड्स, जो BSF के ऑफिसर्स हैं वो IPS भी होते हैं, और जो UPSC का जो CAPF का एग्जाम कंडक्ट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट जिसमें सीधे बनते हैं, और वहां से भी जो है ऑफिसर्स होते हैं। और इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो NDA से आते हैं, CDS से आते हैं और अन्य टेक्निकल एंट्री से आते हैं, जो कि UPSC कंडक्ट करवाते हैं। कि BSF इंडियन आर्मी दोनों बेस्ट है, आपको जिसमें भी जाने का मौका मिलता है पूरे जोर शोर से तन मन से आपको उस फोर्स में जाना है और आपको अपनी सेवा देनी है और वर्दी पाके रहनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों BSF को आप BSF में आप SSC GD के थ्रू जा सकते हैं। SSC GD का जो एग्ज़ाम होता है साल में एक बार या दो बार कंडक्ट करवाया जाता है, उस थ्रू आप SSC GD के थ्रू BSF में जा सकते हैं। और इंडियन आर्मी की जो ओपन रैलीज भर्तीज होती हैं या इंडियन आर्मी की जो भर्ती आती है उसके थ्रू भी आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपके अभी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।